नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूँ। तो आज मैं डिस्कशन करूंगा हैप्पीज माइंड के बारे में, क्योंकि मुझे कुछ दिनों से कमेंट्स भी आ रहा था कैसे हैप्पीज माइंड्स के ऊपर कुछ टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बन रहा है। तो प्लीज़ एक बार वीडियो बनाकर शेयर करिएगा आपका ओपिनियन क्या है। तो देखिए, मैंने किस तरीके से इस कंपनी के ऊपर टेल लिया, किस सिचुएशन के बेसिस में मैंने टेल लिया और क्या क्या परफॉर्मेंस चेक किया, सब कुछ मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूँ, कंपनी एक आईटी सॉल्यूशंस कंपनी है, मतलब आईटी सर्विसेज कंपनी है। देखिए, आईटी सर्विसेज कंपनी को इंडिया में दो अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, एक लार्ज कैटेगरी टाइप और दूसरा स्मॉल एंड मीडियम कैटेगरी टाइप। तो जो हैप्पीज माइंड टेक्नोलॉजीज है वो मीडियम कैटेगरी टाइप के अंदर ही देखने को मिलता है। तो सबसे पहले कंपनी का बिजनेस के बारे में आपको समझना पड़ेगा। देखिए, आवर टेक्नोलॉजी ऑफरिंग कंपनी किस किस के ऊपर ऑफरिंग कर रहा है, जैसे ब्लॉकचेन्स के ऊपर, डेटा साइंस के ऊपर, डेवलप के ऊपर, साथ ही साथ एसडीएन के ऊपर, क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर एंड साथ ही साथ इंटरनेट ऑफ थिंग्स के ऊपर, तो मतलब आईओटी के ऊपर। तो जो कैटेगरीज है उस बेसिस में इसका मतलब अलायंसेस, कौन सा कस्टमर के बेसिस में कंपनी काम कर रहा है वो भी यहाँ पे देख सकते हैं, जहाँ पे बड़े से बड़े दिग्गज प्लेयर है जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, अमेजन है और भी बहुत सारे प्लेयर्स इसके साथ जुड़कर काम कर रहे हैं। तो कंपनी के बिजनेस की एक छोटा सा मतलब डेटा आपको देखने को मिले। अभी चलो डीपली इस कंपनी के ऊपर कुछ डेटा दिखा देता हूँ। सबसे पहले कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करूँ तो आप खुद ही देख सकते हैं कंपनी के बिजनेस के जो कैटेगरीज है वो अलग अलग डिविजन में फैला कर रखा है। जैसे देखिए, कंपनी के जो प्रोडक्ट है वो इंडस्ट्रियल में एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड एनर्जी यूटिलिटीज़ के ऊपर प्रोडक्ट को सर्विसेज दिया जाता है, हेल्थ एंड लाइफ साइंस के ऊपर भी है, साथ ही साथ रिटेल एंड सीपीजी एंड लॉजिस्टिक के ऊपर भी इसका बिजनेस चला है, साथ ही साथ वीएफएसआई के ऊपर भी इसका बिजनेस चला है, साथ ही साथ ईडी टेक के ऊपर भी इसका बिजनेस चला है, उसके साथ साथ हाई टेक एंड मीडिया एंटरटेनमेंट है, तो एंटरटेनमेंट के ऊपर हाई टेक जो सोल्यूशन है उसके ऊपर भी कंपनी काम कर रहा है। तो बेसिकली कंपनी के जो बिजनेस है वही फील्ड में काम कर रहा है जो फील्ड आज जितना स्टेबल है फ्यूचर में और भी ज़्यादा स्टेबल होने वाला है। तो कंपनी की सीधा सीधा बिजनेस के बारे में आपको पता चल गया। अभी कंपनी की कुछ फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में और उसके ग्रोथ के बारे में बात करूँगा। सबसे पहले देखिए, कंपनी के कैपेक्स के बारे में बात करूँ तो कंपनी पिछले साल में सबसे हाइस्ट कैपेक्स को अनाउंस किया था 139 करोड़ के आसपास, और इस बार कैपेक्स घट के हो चुके से 10 करोड़, और पहले तो कंपनी का कुछ कैपेक्स नहीं था, मतलब ना के बराबर था। तो कंपनी से रेवेन्यूज कहाँ से आ रहा है, ओवरऑल कंपनी के रेवेन्यू जो है 50% रेवेन्यूज इसका प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सर्विसेज के ऊपर, बाकी डिजिटल बिजनेस के ऊपर कंपनी का 30% एंड इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट के ऊपर 18% कंपनी का बिजनेस चल रहा है। जहाँ पे एक चीज़ को नोटिस करना, डिजिटल इंफॉर्मेशन एंड क्लाउड के बेसिस में 41% कंपनी का प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप हो रहा है, मतलब कंपनी प्रोडक्ट वाइज सर्विसेज को अचीव कर रहा है और अच्छा खासा पैसा भी कमा रहा है। साथ ही साथ सैस के ऊपर 26%, साथ ही साथ देखा जाए तो जो एनालिटिक्स है, एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसके ऊपर 13% और सिक्योरिटी सॉल्यूशंस के ऊपर 9% एंड आईओटी के ऊपर 5% एंड आदर्स के ऊपर 3%। तो बिजनेस किस तरीके से फैला कर रखा गया आप देख सकते हैं। अभी कंपनीज के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंपनी कहाँ पर प्रोडक्ट को बेच रहा है, सबसे सर्विसेज कहाँ पर दे रहा है, वो है यूएस में। अमेरिका में ऑलमोस्ट 70% के आसपास प्रोडक्ट को सर्विसेज सेल्स कर रहा है, और इंडिया में 17%, यूरोप में 9% एंड अदर्स में 4%। तो ओवरऑल जो बिजनेस है उस बिजनेस को एक पॉइंट ऑफ व्यू आपके साथ शेयर किया गया है। आपको बता दूं, कंपनी हेल्थ केयर सिस्टम में 16% बिजनेस कर रहा है, हाईटेक के ऊपर 14%, साथ ही साथ एडुटेक के ऊपर 22% एंड बाकी ट्रैवल, मीडिया, एंटरटेनमेंट के ऊपर 12%, बीएफएसएसआई मतलब जो बॉर्डर फोर्स है, सिक्योरिटी सिस्टम, उसके ऊपर भी 11% सर्विस दे रहा है, रिटेल के ऊपर 7.5%, इंडस्ट्रियल के ऊपर 7.5%, मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर 6.5% एंड आदर्स के ऊपर 1%। तो बिजनेस के एक पूरा के व्यू में आपके साथ शेयर किया हो, अभी कंपनी के वैल्यूएशन आपको चेक कराऊंगा। तो कंपनी के वैल्यूएशन के बारे में बात करें, इसका पी रेशियो कितना है, 51, इंडस्ट्रीज पी रेशियो कितना है, 40, मतलब वैल्यूएशन थोड़ा सा हाई है। कितना हाई है एक बार आपको दिखा दूंगा। तो सबसे पहले देखिए, इसका वैल्यूएशन एक टाइम चला गया था 144 के आसपास, आज कंपनी का वैल्यूएशन सस्ता हो चुका है, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ की जो पी रेशियो है, खुद की जो पी रेशियो है 5 साल में 60 के ऊपर है, और खुद के पी रेशियो 40 के आसपास है, मतलब कंपनी एक अंडर वैल्यूड भी आप बोल सकते हैं।
अभी कंपनी की जो डेटा है उसी उसके अकॉर्डिंग कंपनी का जो कर्जा है वो ना के बराबर है। कंपनी किस तरीके से क्वार्टर रिजल्ट किया आप देख सकते हैं। हर टाइम कंपनी खुद के सेल्स को एक रेंज में मेंटेन किया। देखिए इतनी छोटे कंपनी होने के बाद भी खुद के सेल्स एंड प्रॉफिट को मेंटेन करना इतना आसान नहीं है। तो सब कुछ मेंटेन करने के बाद कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ थोड़ा सा वीक हो चुके हैं और यही एक रीज़न है जिस कारण के वजह से शेयर में फॉल देखने को मिला। और उस फॉलिंग सिचुएशन में मुझे एक RSI स्ट्रेटेजीज मिला जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा किस स्ट्रेटेजीज के बेसिस में मैंने काम किया, क्या उस स्ट्रेटेजीज में सही में दम है, क्या सही में उस स्ट्रेटेजीज में काम करने में फ़ायदा मिल सकता है वो अभी आपको मैं दिखाऊंगा। उससे पहले देख लीजिए कंपनी का बैलेंस शीट। देखिए कंपनी का जो रिजर्व है 27 करोड़ से बढ़ते बढ़ते आज 1400 करोड़ तक कंपनी के रिजर्व बढ़ चुके हैं। लोगों के मन में एक डाउट भी है कि कंपनी इतना कर्जा भी तो बढ़ा चुके हैं, 19 करोड़ से 500 करोड़ तो हो चुके हैं, तो क्या इस कर्जे को वो मिटा सकते हैं? इजीली मिटा सकते हैं क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है कितना, 230 करोड़। तो हाँ उसके साथ साथ कंपनी के हाथ में कैश कितना है, करीबन 1300 करोड़। तो जो कंपनी 500 करोड़ पे कर्जा लिया वो खुद के जेब में जो पैसा पड़े हुए हैं उस पैसे से ही मिटा सकते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क आया था कि कंपनी के ऊपर क्या स्टेबिलिटी है, हाँ जरूर है कंपनी के ऊपर। मज़ेदार बात यही है कि कंपनी के जो फिक्स्ड एसेट परचेज में कंपनी इस बार 10 करोड़ का फिक्स्ड एसेट परचेज की है जो पिछले बार 135 करोड़ के आसपास फिक्स्ड एसेट को परचेज किया गया था। अभी आपको डाउट भी क्लियर कर देता हूँ कि कंपनी बहुत ज़्यादा कर्जा लिया तो क्या कर्जे को मिटा पाए, बिल्कुल। प्रॉफिट फ्रॉम बोरिंग्स के बारे में बात करूँ तो इस बार कर्जा कंपनी के कुछ भी फिर से नहीं लिया। 180 करोड़ जो पहले कर्जा लिया था उसको धीरे धीरे करके कंपनी रीपेमेंट भी कर रहा है। तो शायद इसीलिए इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। इसलिए देखिए म्यूचुअल फंड ने छोटे मोटे क्वांटिटी को यहाँ पे एडिंग किया जो पहले एकदम नाके बराबर था। FIIs ने भी देखिए 3% होल्डिंग को 5.5% कर दिया। तो प्रोमोटर के पास होल्डिंग जो 44% होल्डिंग्स है उनमें से 8% प्लेजिंग है। अभी प्लेजिंग का मतलब क्या है, मान के चलिए कंपनी के प्रोमोटर के पास जो शेयर है उसको क्या किया, बैंक में किसी और दूसरे जगह पे वो गिरवी रख कर उसके अगेंस्ट में पैसा उठाया। देखिए वो पैसा शायद कंपनी प्रोमोटर खुद के बिजनेस के लिए भी उठा सकते हैं, दूसरे जगह पे भी खुद के काम करने के लिए भी उठा सकते हैं। तो प्रोमोटर खुद के शेयर को गिरवी रखा है तो अगर शेयर के परसेंटेज 15% के ऊपर गिरवी है तो वो एक नेगेटिव माना जाता है। तो यहाँ पे तो 8% है तो ठीक ठाक ही है। तो सारे कंक्लूजन को एक साथ देखा जाए तो कंपनी का परफॉर्मेंस तो ठीक ठाक हो रहा है। अभी चलो इस कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के ऊपर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो बेसिकली इस कंपनी के ऊपर मुझे दो ट्रेड मिला था। पहले देखिए ध्यान देना इस चीज़ को, आपको कुछ नया सीखने को नया जानने का मौका मिलेगा। पहली बात देखिए मैं जब RSI स्ट्रेटेजीज के बेसिस में काम किया तो जब शेयर लगातार लगातार गिरते चले गए तब मुझे 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे कैंडल दिखा तो मैं इंतजार कर रहा था कि RSI कब इस 30 के नीचे आएगा। तो फाइनली 30 के नीचे कब आया, जब मैंने स्टडी किया तब देखा मुझे इस कैंडल के नीचे 30 के नीचे दिखा। मैं एक बार मार्किंग कर लेता हूँ कैंडल को, मैं थोड़ा सा मार्किंग कर लेता हूँ कि ये जो कैंडल है, ये जो रेड कैंडल है, इस कैंडल में मुझे लेवल मिला। तो मैंने क्या किया, इस लेवल को मार्किंग किया और इसके बाद टारगेट मुझे कब मिला, जब RSI 70 के ऊपर गया। और 70 के ऊपर क्लोजिंग कब दिया, ये लंबा वाला कैंडल के ऊपर, मतलब जहाँ पे NT बना था उस NT से टॉप लेवल तक देखो इसका टारगेट कितने दिन में मिला, ऑलमोस्ट 75 डेज में 21% के आसपास टारगेट मिला। तो मेरे हिसाब से बेस्ट टारगेट है क्योंकि 75 डेज का मतलब होते हैं एटलीस्ट 2 मंथ और 15 दिन, उस मतलब 2.5 मंथ आप बोल सकते हैं। तो 2.5 मंथ में कंपनी 20% के आसपास रिटर्न दिया, मेरे लिए बेस्ट है। क्या इसी तरीके से NT कोई फिर से एक बार मिला है, हाँ जरूर मिला है। चलो मैं वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ, ध्यान से देखना यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे फिर से एक बार एक NT बने। देखिए कंपनी धीरे धीरे करके फिर से नीचे आए और 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे ही कंपनी ट्रेड कर रहा है और RSI भी देखिए यहाँ पे 30 के नीचे आया। अब ध्यान से इस चीज़ को देखना तो इस कैंडल ने फर्स्ट टाइम RSI 30 के नीचे क्रॉसओवर की, तो यहाँ पे एक NT बने। मैं मार्किंग आपको करके देता हूँ। तो उसके बाद टारगेट कहाँ पे होगा वो तो मुझे पता नहीं है क्योंकि RSI जब 70 को क्रॉसओवर करेगा तब मैं एग्जिट करने वाला हूँ। तो मुझे यहाँ पे दो ट्रेड मिला, पहले ये तो एक RSI के बेसिस में और दूसरा और एक ट्रेड है जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो है कुछ इस तरीके से रेंज के बेसिस में। तो देखिए यहाँ पे एक बाइंग का रेंज बना, 1 2 3 4, चार के चार बाइंग कैंडल मिला जो टोटल रेंज निकल कर है 20% और 20.5% के आसपास। तो 20 मतलब जब भी इस नीचे लेवल को टच किया तब मैंने क्या किया, यहाँ पे NT डिसीजन लिया और मेरा टारगेट रहेगा इस हाई लेवल तक। तो कहने का मतलब है कि आपको हर जगह पे ट्रेड मिलेगा, आपको सिर्फ कंपनीज को ऊपर डीपली रिसर्च करना होगा,
स्टडी करना होगा, बैक टेस्टिंग करके देखना होगा क्या उस स्ट्रेटेजीज में सही में दम है कि नहीं है। चलो एक बार बैक टेस्टिंग इसको भी करके आपको दिखाता हूँ। क्या इसी तरीके से रेंज के बेसिस में और कोई ट्रेड मिला था? क्या मिला था, उसका टारगेट भी मिला है? चलो उसको भी मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। जैसे कंपनीज के ऊपर यहाँ पे एक रेंज मिला था, क्या रेंज सही में 20% के ऊपर गया था? मुझे नहीं लगता है ये रेंज 20% ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे रेंज 20% के ऊपर नहीं गया। तो देखिए पहले एक बार इस तरीके से कुछ यहाँ पे रेंज मिला था, देखिए कंटिन्यूसली यहाँ पे बाइंग का रेंज मिला, कुल मिलाकर 22% का रेंज मिला था। तो फाइनली क्या हुआ, यहाँ पे एंटी हुआ, एंटी होने के बाद और भी गिर चुके थे, और भी उसके बाद देखिए धीरे धीरे करके कंपनी कहाँ पे गया, ऑलमोस्ट टारगेट को कंपनी अचीव कर चुकी थी। तो कहने का मतलब है कि अगर आपको स्ट्रेटेजीज के ऊपर भरोसा है तो वो आज नहीं तो कल आपको हमेशा इस तरीके से टारगेट और एंटी देते रहेंगे। तो चीज़ों को आपको समझने के लिए पहले बैक टेस्टिंग करना होगा, और आपको जो जो पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर किया हूँ उस पॉइंट को आपको वेरीफाई करना होगा, उसके बाद आप खुद के हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं। देखिए मेरे तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन होता नहीं है, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन तो है नहीं। दूसरी बात, किसी भी कंपनी के ऊपर काम करना है तो आपके ओपिनियन के हिसाब से करना करना पड़ेगा। अगर उसके बाद भी डाउट है तो आप आपके फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ एक बार बातचीत कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।